गोपान चैनल बाय नमान के साथ को वेलकम कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है नासबो, नासबो के पौधों की केयर टिप्स और ये कैसे होते हैं इनके लीफ, उसके बाद कैसे इनके जू, आप बैठेंगे आपको पास इनके जू काफ़ी दूर दूर से आती होगी। ये टाइम मेरे पास इस टाइम काफ़ी पौधे हैं, इस टाइम मैंने ये लाया था नर्सरी से, क्यों मेरे पास पौधे सारे ख़त्म हो चुके थे और ये मैंने ऊपर से काट कर इनकी गले में दो गो कर दी थी, दोनों दोनों चल पड़ी हैं देख लें आप। बाकी अभी मैंने गो नहीं की क्यों, अभी पौधे मैंने बड़े होने दिए नर्सरी से लाकर, अभी बड़े हो चुके हैं। अब इनको मैं शिफ्ट कर दूँगा वो जल्द, इनको बड़े कोटुस के अंदर, बड़े गमलों के अंदर मैं शिफ्ट कर दूँगा, इनको पौधों को बड़ा करूँगा। लेकिन इनकी आपको क्या टिप्स आप देने आया, पानी वाटर मतलब इनको कम से कम आपने दो बार देना है, क्यों हमने इनको सनलाइट में रखने हैं। अभी मैं इनको धूप दे रहा हूँ, धूप इनको मैं 3 घंटे की दे रहा हूँ, कहाँ 3 घंटे की धूप आती है बस वहाँ इनको रखा हुआ है, ये बात याद रखिएगा। ज़्यादा धूप इनको आपने नहीं देनी, मतलब सेफ धूप में आप इसको नहीं रख सकते, ये बात याद रखिएगा, ये बात मेरी याद रखिएगा। इसके पत्तों में काफ़ी ज़्यादा जू आती है, एक बात ये भी याद रखिएगा। इसे खाद बहुत कम ज़रूरत पड़ती है खाद की, आप देना चाहो दे सकते हो, लेकिन एक माह में थोड़ा सा एक चुटकी दे दी बस, क्यों उसे बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, क्यों मेरा पौध छोटा है इसलिए मैं इसको भी एक चुटकी दूंगा, क्यों ज़्यादा दूंगा तो ये गाब होने का खतरा होगा इसको, क्यों इसको खाद मैं बहुत कम दे रहा हूँ, ज़्यादा खाद इसको मैं नहीं दे रहा, क्यों फिर देख लेंगे काफ़ी अच्छी गोद कर रही है टाइम, कोई अच्छी गोद देख लें कहाँ से आपको काब नजर आएगी, बहुत अच्छी गोद देखती है इस टाइम जा रही है। देखिए मैं उसे किसी ने साल पूछा नासबो के बारे में और एक और पौधा था उसके बारे में, तो कैसे होते हैं दोनों, क्या पौधे सेम होते हैं, मैं कहा नहीं भाई दोनों पौधे सेम नहीं होते, नासबो के पत्ते और उसके पत्तों में बड़ा फ़र्क होता है, ये बात याद रखिएगा। उसके पत्तों से जू नहीं आती, नासबो के पत्तों से जू आती है, ये सबसे बड़ी निशानी है, ये बात याद रखिएगा। नासबो के का फूल लगकर उसके बाद बीज बनते हैं, तो उसके बीज काफ़ी वीक होते हैं, उसके बीज वीक नहीं होते, उसके पर छोटा सा एक फल लगता है उसके अंदर उसके बीज होते हैं, लेकिन ये इसकी जू काफ़ी, इसकी किस्में काफ़ी ज़्यादा आपको मार्केट में मिल जाएगी। नासबो की कम से कम 8 किस्में पाकिस्तान में पाई जाती हैं, आप पाकिस्तान से 8 किस्में जाकर खींच सकते हो नस्ल के अंदर से, लेकिन मैं सादी नासबो लाया हूँ, देसी नासबो मैं दूसरी नहीं लाया, दूसरी मैं ऐसी नहीं लाया क्यों, मुझे इस पर वीडियो आपको शो करनी थी, ये आपके घर मच्छर नहीं आने देगी, बात याद रखिए, कहाँ ये लगा होगा मच्छर नहीं वहाँ आएगा, ये बात याद रखिएगा। इसलिए मैं ये अब इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसकी कटिंग कल मैं गो करूँगा, मैं उसकी वीडियो आपको शो कर दूँगा बहुत जल्द। हमारा मकसद आज बस नासबो के बारे में आपको से बात करना था, हमारा देखें किसी को अभी भी समझ नहीं आई वो मुझे नीचे मैट करके कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकता है भाई। इसके पत्तों आप देख लो, ये देख लो पत्ते आप, इसके पत्ते कैसे होते हैं, उसके पत्ते ऐसे नहीं होते भाई, उसके पत्ते ज़्यादा थोड़े मोटे होते हैं और थोड़े छोटे होते हैं, ये बात मेरी याद रखना। और इस पौधे की केयर टिप्स यही हैं, इस सनलाइट कम देनी है आपने, मिट्टी चिकनी हो बाल वाली हो दोनों में ही चल जाएगा, ये बाल वाली नहीं है ये चिकनी मिट्टी में लगा हुआ देख लो, ये दो कल में चिकनी मिट्टी में और ये भाई साहब बाल वाली मिट्टी में, दोनों के दोनों आइटम बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं देख लें। मैं खाद अभी तक किसी को नहीं दी, मैं गलत बानी नहीं करूँगा आपसे, फिर भी ऐसी गौर आप दे सकते हैं। चलें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ मेरे दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो के अंदर।